सपा का गढ़ कही जाने वाली इटावा और मैनपुरी लोकसभा सीटों पर भाजपा पूरी ताकत लगाए हुए है। अभी तक दोनों लोकसभा क्षेत्रों में स्वर्ण और पिछड़ी जाति से आने वाले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही चार मंत्री चुनावी सभाएं कर चुके हैं। वहीं अब दोनों लोकसभा क्षेत्रों को एक ही दिन में मथने के लिए रविवार को गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी के किशनी और इटावा शहर के नुमाइस पंडाल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यादव लैंड में आने वाली इटावा और मैनपुरी लोकसभा सीटों पर चुनाव बड़ा ही रोचक बना हुआ है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे पहले लोकसभा के चुनाव में भाजपा इस बार इटावा लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने के प्रयास में है। वही सपा भी इस सीट को फिर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है।